यूं तो मोमबत्ती की आग तारीकी को दूर करती है, लेकिन क्या कहें इस बेचारे सरफराज अहमद के बारे में, जिसकी ज़िंदगी की सारी रोशनी एक मोमबत्ती की वजह से गुल हो गई। सरफराज अहमद एम्प्रेस रोड अहाता बरकत अली में मकान की बलाई मंजिल पर अपनी बीवी और चार बच्चों के साथ किरायादार है और दिन के वक्त रिक्शा चलाता है, जबकि रात को थाना कला गुजर सिंह में बतौर कांस्टेबल ड्यूटी अंजाम देता है। जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब वो ड्यूटी के लिए घर से निकला तो हसबे मामूल घर को सिक्योरिटी के पेशे नजर बाहर से लॉक कर गया। रात के 12 बजे अहले मोहल्ला ने घर से धुआं उठता देखा तो मकान में मौजूद बिल्किस बीबी और उसके बच्चों की मदद को दौड़े, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। सरफराज अहमद के चार बच्चे फराज, टीपू, मलाइका, कायनात और अली शराज आग की नजर हो चुके थे। घर में जितने भी थे मोहल्लेदार लड़के उसमें मौजूद थे, उन्होंने बहुत कोशिश की है। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, उन्होंने आग बुझाई है। उसके बाद हमें पता चला कि चार डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं। सारा बंद था घर चारी तरफ से ना, तो उस टाइम काफ़ी आग बरक उठी थी इसके अंदर ना, तो हम ऊपर गए हैं। ऊपर वो बेचारा पुलिस वाला है वो ड्यूटी पे गया हुआ था अपना घर को सारे तरफ से लॉक करके, तो बड़ी मुश्किल से पीछे की तरफ से हमने फिर सीढ़ी लगाई। उधर उसकी बीवी थी, वो ऊपर से बो रही थी, वो बेचारी सारा मुँह काला हुआ था उसका, जला हुआ, उसको बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। तो उससे ही पूछा हमने, को कहती मैंने मोमबत्ती लगाई थी उस टाइम, उसने नीचे उतर के उसकी जो बीवी है उसने कहा कि बच्चों की माँ ने कि मोमबत्ती लगाई थी उससे आग लगी है। आज शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी है, सुबह ये रिक्शा चलाता है, रात को ड्यूटी देता है। इतला पाते ही रेस्क्यू 112 का फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसा पर पहुंचा और आग बुझाई, जबकि एम्बुलेंस के जरिए जख्मी बिल्किस को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू के मुताबिक आग सिलेंडर हीटर की लीकेज वाले कमरे में जलाई जाने वाली मोमबत्ती की वजह से लगी। अंदर एक चूल्हा था और सिलेंडर साथ अटैच था, इसका रेगुलेटर अक्सर ही लोगों का लीक रहता है। बीबी बता रही थी उन्होंने जब माचिस जलाई है उसकी वजह से आग लगी थी, उसकी वजह से गैस पहले से मौजूद थी अंदर और रेगुलेटर लीक होने की वजह से आग बढ़ गई। दरवाजे लॉक होने की वजह से बच्चे कोई भी बाहर नहीं निकल सका, जिसकी वजह से चार बच्चे डेड हो गए हैं, उनकी वाइफ को जख्मी है, उनको सर्विस शिफ्ट कर दिया गया। अलमनाक वाकये की खबर पाकर जब कांस्टेबल सरफराज अहमद घर पहुंचा तो उस पर सख्तातारी हो गया। साथियों की तरफ से दिलासा दिए जाने के बावजूद फरते गम से उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका कहना था कि हंसते बसते घर को आग लगने से उसकी बस्ती ही उजड़ गई। मैं कानून तो रज गया, मैं कानून तो रज गया, मैं बच्चा नु चाह के मैं जोली पा के तुर के भाग जाना सर, मेरे कानून ने की दिता, मेरी बस्ती पूरी उजड़ गई, मेरे को कुछ भी नहीं रहा। हर साल छोटी सी गफलत की वजह से शहर में आग के बड़े वाकयात रूनमा होते हैं। जरूरत इस बात की है कि कीमती जानों को बचाने के लिए जिंदगी में मोहतात रवैया अपनाया जाए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अजहर हुसैन, सिटी 42।